गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और ऐसे में पूरा जिला बाढ़ के चपेट में आ गया है। इतना ही नहीं, अब NH-80 की भी स्थिति दयनीय हो गई है, क्योंकि NH-80 पर भी अब पानी आ चुका है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये NH-80 है, ये सबौर के पास का यह इलाका है और यहाँ पर अब NH-80 के ऊपर से पानी निकल रहा है। आप तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से NH-80 के ऊपर से पानी निकल रहा है। हालांकि यहाँ पर पुल कार्य का निर्माण चल रहा था, जिसके चलते डायवर्जन बनाया गया था, उस पर पानी आ चुका है। हम आपको इससे जुड़ी एक खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो जिला प्रशासन के लापरवाही को दर्शाती है। जब यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा पानी का अभाव था, तो बड़े वाहनों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। यहाँ पर एक हादसा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जो निर्माण कार्य की एजेंसी है उसकी ट्रक अभी तुरंत खाई में पलटी है। वहां का जो रोड है वो पूरी तरीके से धस चुका है, क्योंकि निर्माण कार्य अभी प्रारंभ है। लगातार जो पानी का दबाव है वो सड़क पर पड़ रहा है और कहीं जो कई जगह है वहां से NH-80 के ऊपर से पानी निकल रहा है। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से राहगीर यहां से निकलने को परेशान है। आपको हम बता दें कि यह क्षेत्र वही क्षेत्र है जो NH-80 सुर्खियों में रहा करता था। भागलपुर से कहलगांव पीरपैंती के रास्ते जो NH-80 जाती है, यह वही NH-80 है जो कई बार सुर्खियों में भी रहा है। अब फिर से एक बार बाढ़ का समय है और ऐसे में स्थिति NH-80 की काफी भयावह हो चुकी है, क्योंकि आप ये तस्वीर देख रहे होंगे कि किस तरीके से NH-80 के ऊपर से पानी निकल रहा है और लोग उसी के सहारे आवागमन कर रहे हैं। हालांकि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ना तो यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग हैं और ना ही पुलिस प्रशासन को यहाँ पर मुस्तैद किया गया है, जिससे बड़ी वाहनों पर रोक लगाया जा सके। अगर बड़े वाहनों पर रोक नहीं लगाया जाता है तो कहीं कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, क्योंकि निर्माण कार्य के बाद जो सड़क है कई जगह पर वो धंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नहीं की गई है। ना ही पुलिस प्रशासन को लगाया गया है और ना ही जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर कार्यरत नजर आ रहे हैं। आपको हम फिर से तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये NH-80 के ऊपर से जो पानी निकल रहा है, अगर इस पर बड़ी वाहनों का दबाव पड़ता है, बड़े वाहनों का दबाव पड़ता है, तो इसके धंसने की संभावना जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है और ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अभी निर्माण कार्य के चलते यहाँ पर जरूरत है कि बड़े वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो। आपको मैंने अभी तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से लोग इसी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। हालांकि छोटी गाड़ियों का प्रवेश लगातार जारी है। आपको बता दें कि यहां से यात्रियों से भरी गाड़ियां लेकर जाई जा रही है, ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन को मुस्तैद करने की जरूरत है। भागलपुर से लोकल 18 के लिए सत्यम कुमार।